अर्पिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मो अर्पिता दास। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ जो कि है बायोटिक का स्क्रब। जी हाँ, सबसे पहले जान लीजिए स्क्रब का काम क्या होता है और स्क्रब व्हाई स्क्रब इज सो इम्पॉर्टेंट टू लेडीज, नॉट ओनली लेडीज बट इवन फॉर जेंट्स ऑल्सो। और चलिए स्क्रबिंग का काम क्या होता है पहले हम जानते हैं। स्क्रब हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? तो सबसे पहले स्क्रब हमें इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए, स्क्रबिंग करने से हमारी जो ड्राई स्किन होती है, डेड स्किन होती है, वो निकल जाते हैं। और डेड स्किन और ड्राई स्किन निकलने से हमारे स्किन में जो रौनक होती है यानी ग्लो, वो वापस आ जाती है। तो हमें अपने स्किन का उसी तरीके से ख्याल रखना है जिस तरीके से हम अपने हेयर्स का ख्याल रखते हैं, अपने स्किन का, बॉडी का ख्याल रखते हैं, खाने का ख्याल रखता है, तो हमको स्किन का भी वैसे ही ख्याल रखना है। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है ना कि पिंपल्स के बाद लार्ज फोर्स हो गए, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, काफ़ी लेडीज़ को अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि हमारे स्किन पे ओपन पोर्स हुए, तो आप एक बात जान लीजिए, ओपन पोर्स हर एक इंसान को होते हैं, छोटे बच्चे के स्किन में भी होते हैं। क्योंकि अगर ओपन पोर्स आपकी स्किन में नहीं होते तो आपकी स्किन ऑक्सीजन नहीं ले पाती। तो समस्या जो होती है वो लार्ज पोर्स की होती है, जिसके लिए स्क्रबिंग इज मस्ट। यस, जिनकी ये क्वेश्चन होते हैं कि हमको बहुत पिंपल्स होते हैं उसके बाद हमको लार्ज पोर्स हो जा रहे हैं, तो आप लोग स्क्रबिंग मस्ट आपके लिए हफ्ते में 3 बार यानी वीक में 3 times ऑल्टरनेट डेज करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज मैं आपसे उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। स्पेशली ये मैं हमेशा आती हूँ कुछ अबव जो 18 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेके आती हूँ, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बायोटिक का वेलनट प्यूरिफाइंग जो स्क्रब है, इसे जो टीनेजर्स है वो भी इस्तेमाल कर सकती है। जी हाँ, क्योंकि इसमें ये है पूरी तरीके से क्रुएल्टी फ्री और बहुत ही ज़्यादा हर्बल है, तो आपके स्किन के ऊपर उतना हार्श नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इस प्रोडक्ट को इन डिटेल में। दोस्तों, ये है बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट यानी कि एकदम क्रुएल्टी फ्री, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा का जो कि है बायो वेलनेट प्यूरिफाइंग एंड पॉलिशिंग स्क्रब। तो जी हाँ, ये जो फीचर्स है ना इसका, प्यूरिफाइंग एंड पॉलिशिंग स्क्रब, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये फीचर्स इसलिए सही मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि पॉलिशिंग का काम बहुत अच्छा करता है, जैसे ये बहुत सॉफ्ट है, और ये है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, यानी ऑयली स्किन वालों के लिए ये बिल्कुल नहीं है, इसे नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो कि है 100% आयुर्वेदिक रेसिपी, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये केमिकल फ्री नहीं है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से स्मेल कर चुकी हूँ, इसमें बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये टोटली केमिकल फ्री है। मैं थोड़ा आपको पास से दिखा देती हूँ इन्ग्रीडियंट्स, ये देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 50 ग्राम है जो कि है, आई थिंक इतना ठीक है, और दिस इज़ फॉर 75 रुपीज़। यहाँ पे बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स है, आप लोग काइंडली एक बार पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि मसाज ऑन योर वेट फेस एंड नेक विथ फिंगर टिप्स, अवॉइड आई एरिया। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ आई एरिया में स्क्रब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, रिंस विथ वाटर और डैम्प क्लोथ वॉश, ओके, यूज़ डेली और एज नीडेड। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला नोट करने वाला इन्फॉर्मेशन है, यूज़ डेली और एज नीडेड। आप चाहे तो इसे डेली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्श नहीं है आपके स्किन के ऊपर, और इसके जो स्क्रब है आपके स्किन को ज़्यादा हार्श नहीं करेंगे, आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा क्रूएल नहीं होंगे, तो आप इसे डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि आप जानते हो कि स्क्रब हमें हमेशा करना चाहिए, हफ्ते में 3 बार या 2 बार, लेकिन कुछ स्क्रब होते क्या है, हमारी स्किन को हार्श कर देते हैं। तो स्क्रबिंग करने के बाद हमको मॉइस्चराइजेशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, भले ही वो हार्श करे या ना करे। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बायोटिक का बायो वेलनेस प्यूरिफाइंग एंड पॉलिशिंग स्क्रब, ये जो मेंशन किया हुआ है ना फीचर, प्यूरिफाइंग एंड पॉलिशिंग एकदम परफेक्ट है। क्योंकि इसे आपको वन वॉश में मुझे कुछ समझ नहीं आया था, जब मैंने 3 बार 3rd time 4th time जब मैंने यूज़ किया तब मुझे फील हुआ कि यस, ये एक पॉलिशिंग का काम भी कर सकता है। तो मान लीजिए आपको इमिडिएटली किसी पार्टी में जाना है, आपके पास वक्त नहीं है फेशियल के लिए, पार्लर विजिट करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये वाला स्क्रब, और जो कि है नॉर्मल टू ड्राई स्किन। पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, एकदम अपने स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है। आजकल इतना ईजी हो गया है कि आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो आप उसमें मेंशन किया होता है कि वो किस टाइप की स्किन के लिए है, तो काइंडली वो चीज़ ज़रूर देखिएगा परचेज करने से वक्त। और चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसकी जो स्मेल है ना, इसका ढक्कन बहुत अच्छा है ये, तो इसे इसके ढक्कन और इसका जो कॉम्पैक्टनेस है, छोटा सा जो डब्बा है ये, ट्यूब है एक्चुअली, डब्बा नहीं है, तो इसे आपको ये ट्यूब
इसे बनाता है ट्रैवल फ्रेंडली, तो आप इसे कहीं भी आराम से ट्रैवल कर सकते हो। स्पेशली जो ऑफिस गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है घर में घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करने का, और स्पेशली जब वो ट्रैवल करती है, और अगर आप घरेलू चीज़ें ट्रैवल करते हो तो वो बर्बाद होने की भी काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, तो वो चीज़ें डैमेज हो जाएगी, और अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो उससे आपको नुकसान होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसकी जगह मैं आपको डेफिनेटली ये वाले प्रोडक्ट्स बोलूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं है, और यस इन्हें टीनेजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किन के ऊपर, बिकॉज दिस इज़ रियली एकदम जैसे आपने कभी बेसन यूज़ किया हो, मुझे ऐसा ही फील हुआ। बेसन में वैलनट डाला हुआ है और थोड़ा सा लेमन का भी एक्सट्रैक्ट है इसमें। अदरवाइज इसकी जो स्मेल आती है ना, काफ़ी लेमनिश आती है और थोड़ा सा बेसन जैसा स्मेल आता है, एंड यस वैलनट का जो एक चिकनाहट है वो भी फील होता है जब आप इसे यूज़ करते हो। इन जनरल होता क्या है, आप जो बाकी के जो स्क्रब यूज इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आपको अपने फेस को वेट तो करना पड़ता ही है, उसके साथ साथ जब आप अपना स्क्रब इस्तेमाल करते हो तो मैं यूजुअली आपको रिकमेंड करती हूँ कि थोड़ा सा उसको ड्राई मत रखिएगा, उसमें थोड़ा पानी डालती रहिएगा। लेकिन इसके साथ क्या है, इसे आपको अलग से पानी इस्तेमाल करनी नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत स्मूथ है आपके स्किन के साथ, ये हार्श नहीं होता है, क्योंकि एक ऑलरेडी एक क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, मैं आपको ऐसे बता ही चुकी हूँ, और साथ ही साथ बहुत ही सॉफ्ट है, आपके स्किन में एक अलग सा सॉफ्टनेस आ जाएगा, जस्ट लाइक गुल्लुश गुल्लुश बेबीज बोलते हैं ना, वैसा स्किन कर देता है ये आपका, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन कर देता है। बट कंपेयर टू अदर्स प्रोडक्ट, मैं आपको इस कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में ये कहाँ बेटर है। इसी के आई थिंक कंपैरिजन करने के वजह से हमें समझ आता है कि हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहली जो मैंने आपको इसका प्लस पॉइंट बताया, ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसके लिए अलग से ज़्यादा आपको वाइट वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसे खाली वेट फेस पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, और थोड़े से ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी आपके स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, ये मैंने नोटिस किया है। और अगर आप मुझे बोलोगे इसके नेगेटिव पॉइंट, तो एज सच मुझे इसके कोई नेगेटिव पॉइंट दिखाई नहीं दिए, डेफिनेटली इसमें कोई एक्ने दूर करने की ये प्रूफ नहीं करता है। इसके फीचर्स ही है प्यूरिफाइंग एंड पॉलिशिंग स्क्रब, कि आपको प्यूरिफाई करता है आपके स्किन को अंदर से, और आपके स्किन को पॉलिश करता है, यानी थोड़ा ग्लो लेके आता है। तो अगर आप मान लीजिए बाहर जा रहे हो ऑफिस के लिए, स्पेशली आप ऑफिस गर्ल हो या फिर कॉलेज गर्ल हो या फिर आप हाउस वाइफ भी हो, रोज खाना बनाते हो, तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो। यस, काफ़ी सारे जो स्क्रब होते हैं आप डेली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्क्रबिंग करने से क्या होता है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो हमें इमीडिएटली मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हफ्ते में 3 दिन या फिर 2 दिन, अगर आप घर में रहते हो तो आप 2 दिन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आप पोल्यूशन में जाते हो, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आप फेस करती है आपकी स्किन, तो आप 3 दिन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ऑल्टरनेट डेज, नॉट द नेक्स्ट डे, आपको ऑल्टरनेट डेज में ही इसे इस्तेमाल करना है। तो इसकी यही खास बात है कि इसे आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा कुछ हार्श फील नहीं हुआ है कि आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हार्श कर देगी, इनफैक्ट ये आपके स्किन को और ज़्यादा सॉफ्ट कर दे रही है। लेकिन मैंने बाकी जो स्क्रब इस्तेमाल किए हैं उनकी तुलना ये बहुत बेटर है, तो इसके बारे में आप डेफिनेटली सोच सकते हो। मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट के लिए थम्स अप है। अगर आप सोच रहे हो और अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो यू कैन थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। अब आते हैं हम काम की बात। इसकी जो क्वांटिटी है 50 ग्राम है। तो अगर आप सोच रहे हो इसके प्रोडक्ट के ऊपर परचेज करने का, तो मैं आपको बता दूं कि येस यू कैन परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम नायका, फ्रॉम पर्पल, इवन फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऑल्सो। मैं आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो इजीली इसे परचेज कर सकते हो। और इसकी जो क्वांटिटी है 50 ग्राम है, जो कि है ओनली फॉर 75 रुपीज़, आई थिंक विच इज़ रिजनेबल और चीप बोल सकते हो आप। और बायोटिक के जो रेंजेस होते हैं ना, बायोटिक की रेजिम ऐसी चीज़ है, बायोटिक के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी रिजनेबल मिल जाएंगे, तो जो भी इसे इस्तेमाल करना चाहे वो इजीली हंसते हंसते इस्तेमाल कर सकते हैं। और यस, मेरी तरफ से एक थम्स अप है आप सबके लिए। आप अगर सोच रहे हो इसे इस्तेमाल करने का तो बेहिचक कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, नो फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीमी है टेक्सचर में। सो फ्रेंड्स, ये था आज का प्रोडक्ट रिव्यू। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, स्पेशली लेडीज़ के साथ। ओके, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।